हे गाइस, इट्स मी पैम्स। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पम्स क्राफ्ट एसएमपी सीरीज। और टाइटल से आपको पता ही चल ही गया रहेगा कि हम लोगों ने पूरा एक चंक माइन किया है। तो अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हैं तो आपको पता रहेगा, मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से वही करे जा रहा हूँ पूरा। अभी लेवल 63 से लेके पूरा एंड तक, जहाँ पे अपना बैड रॉक है ना, वहां तक मैं पूरा माइन करते हुए गया था। और फाइनली वो अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो में हम लोग वही रिव्यू करने वाले कि हमें क्या क्या कितना कितना मिला। तो मैं सबसे पहले वो जगह बता देता हूँ आपको। यहाँ से कैसल से आएंगे ना, तो इधर ही पीछे मैंने वो किया है, ये देखना, यहाँ पे मैं ग्लास लगा के रखा हूँ ताकि ऊपर से कोई अगर दौड़ के आ जाए तो इधर गिर ना जाए, नहीं तो मर जाएगा और मेरे को गालियाँ देगा खाली फुकट। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं, रुको मेरे पहले ना चंक ऑन कर देता हूँ, ये रहा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये पूरा चंक इधर से लेके पूरा एंड तक माइन किया है, वो बेडरॉक आप देख ही सकते हो। ओके, तो वहाँ पे से जितना भी सामान मिला ना वो मैंने बेस में रख दिया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, रुको। ओके, यहाँ पे अंदर ना मैंने ये वाला जो यहाँ पे दो पार्टीशन थे ना, पहले अपने विलेजर थे तो आपको पता है, वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं कुछ तगड़ा करने के सोच रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें जब इधर कुछ भी करूंगा ना तो इसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा। फिलहाल अपने को ये देखने का क्या क्या माइन किया था हमने वो। तो यहाँ पे ये चेस्ट पड़ा हुआ है चंक माइन स्टफ, तो जितना भी चंक से स्टफ आया अपने को महंगा महंगा वो वाला यहाँ पे है। और अगर नॉर्मल जो मतलब पूरे जितने भी मुझे स्टोन वो सब मिले थे ना, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा। और ये हो गया, ये क्या बोलते हैं, डिप्सलेट तो बहुत मिला है मुझे एंड में। ओके, तो अभी चंक माइन वाला स्टफ ओपन करते हैं। तो मुझे इतना भी ज्यादा सामान नहीं मिला, लेकिन ये इतने सारे मिले ओर्स मुझे, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये सारे ओर को ना हम लोग फॉर्चून 3 के पिकैक्स से माइन करेंगे। ये रहा अपना फॉर्चून 3 वाला पिकैक्स, और एक्स्ट्रा चेस्ट भी ले लेते हैं अगर सामान वगैरह रखने के लिए हमें काम आएंगे। ओके, तो ये सारे ओर्स लेके मैं बाहर आ चुका हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने सारे ओर माइन कर लिए फॉर्चून 3 से। अभी हम लोग देखते हैं हमें कितना कितना क्या क्या मिला है वो। तो ये रहा वो चेस्ट, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमें टोटल 38 डायमंड मिले, नॉट बैड। लेकिन इतने और मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, लेकिन 38 ही मिल गए, चलो कोई ना। और गोल्डन ओर हो गए टोटल एक पूरा स्टैक और 33, और आयरन ओर हो गए पूरे 4 और 35, 4 स्टैक और 35, कुल 44 ही हुआ है। और लैपिस तो वैसे भी ज्यादा ही मिलता है, तो लैपिस पूरे 6-7 स्टैक और 51 मिले। और ये कॉपर के पूरे 11 और 29 मिला है, और रेस्टोन भी हमें 5 स्टैक और 29 मिला है। ओके, तो यही था वो पूरा लूट जो हमें पूरा चंक माइन करके मिला। मुझे तो बहुत मजा आया, और वो वाली मतलब लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग हमसे नए नए लोग जुड़ गए थे। तो जो भी लोग वो जब मैं माइन कर रहा था, चंक माइन कर रहा था और लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताना अगर आप थे तो वहाँ पे। ओके गाइस, तो वही अपना ये चंक का टारगेट था वो तो कम्प्लीट हो गया है, और इसी प्रकार ये वाला एपिसोड भी हम लोग खत्म करते हैं। और मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।